हेलो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और आपने पीएम किसान सम्मान निधि की ई केवाईसी कर ली है तो आप अपनी ई केवाईसी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस केवाईसी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद देखिए, आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ई केवाईसी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पर आपको एक ओटीपी मिलेगा, तो इसलिए आप कोई भी यहाँ पर एक नंबर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिल किया था उस पर एक 4 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, आपके सामने गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है ई के वाई सी इज ऑलरेडी डन। इसका मतलब यह है कि हमारी के वाई सी सक्सेसफुली हो चुकी है और अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।